अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक भाई मेरे को कमेंट किया, भाई मैं इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्ट भी हो गया अल सफारी कंपनी में। तो सफारी कंपनी एजेंट ने बोला उसको क्लीनर का काम 1300 रियाल सैलरी, 10 घंटा ड्यूटी। इंडिया का भाई था, बिहार का। तो भाई मेरे को थोड़ा सा वीडियो भी भेजा, इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया। तो पूछा भाई कैसा होगा अगर इस कंपनी में जाएगा, क्लीनर का काम बोला एजेंट ने, तो ओवरटाइम वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है इस कंपनी में, और जाएगा तो क्या काम मिलेगा, क्लीनर का कौन सा डिपार्टमेंट में, अगर इस कंपनी में जाएगा तो कौन सा डिपार्टमेंट है क्लीनर का। तो देखो भाई, अल सफारी कंपनी में अगर आप लोग आओगे तो बेसिकली ये क्लीनर का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है हॉस्पिटल। क्लीनर का काम का बारे में अगर बात करें तो रियाद में किंगडम टावर में उसका प्रोजेक्ट है, किंगडम हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट है, अब्दुल्ला हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट है, आपका बरैया बोल के एक गेट है, उस गेट में उसका प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग आओगे इसको सफारी में तो आपका क्लीनर का काम में हॉस्पिटल में और दो नंबर आपका स्कूल में, ये दो जगह में आपको क्लीनर का काम मिलेगा। ये गया आपका काम का बारे में। अगर आपका ड्यूटी का बात करें तो कितना घंटा ड्यूटी होगा इस कंपनी में आओगे तो, आपको देखो ड्यूटी, अगर ड्यूटी की बात करें तो आपका नॉर्मल ड्यूटी होगा 8 घंटा, और लंच के लिए खाने के लिए आपका 1 घंटा, टोटल मिला के 9 घंटा ड्यूटी होगा। ओके, 9 घंटा ड्यूटी होगा और सैलरी आपको 1300 बोला, ये झूठ बोला, 100% झूठ बोला। आपको सैलरी होगा 1200 रियाल, 1200 रियाल सैलरी, 9 घंटा ड्यूटी नॉर्मल। ओके, देखो भाई अगर ओवर टाइम का बात करें तो 4 महीना पहले जो भाई आया हॉस्पिटल में स्कूल में काम कर रहा है तो उसका ओवर टाइम लग गया, 12 घंटा ड्यूटी कर दिया, और 9 घंटा ड्यूटी था, 12 घंटा ड्यूटी कर दिया, और 1200 रियाल सैलरी था, अभी आ रहा है उसका 1500 रियाल। तो ऐसा करके पुराना जब 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो जाओगे तब भी आपको ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा तीसरा वीडियो में आप लोगों को बोला कि 100% इस कंपनी में आओगे तो 100% मिलेगा ओवर टाइम, लेकिन इस बारी अगर आप अल सफारी कंपनी में आओगे तो 50% आप ध्यान में रखो मिल सकते हो, नहीं मिल सकते ऐसा गारंटी नहीं है। अगर आपका नसीब अच्छा हो तो मिल जाए, आके 2 महीना 3 महीना बाद ही मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह मियामिया कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी। एक भाई बोला भाई मेरा लफड़ा हो गया कंपनी में, इसलिए मेरे को काम भी नहीं मिल रहा है और खाना भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका लफड़ा हुआ सुपरवाइज़र के साथ। उसको बोला सोलैया रियाद में, सोलैया में तुमको काम भेज रहा हूँ, तुम उधर जाके काम करो। तो वो बोला नहीं, मैं जिस भाई के साथ आया उस भाई के साथ मैं काम करेगा। तो सुपरवाइज़र का गुस्सा हो गया, तुमको जिधर भेज रहा हूँ उधर नहीं जाओगे, जिस सुपरवाइज़र फोरमैन जो बोलेगा वो अगर बात नहीं सुनोगे तो आपको आपका काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर आप लोग जिस टाइम आओगे 2 महीना 3 महीना आपके आपका एकामा बन जाएगा, 3 महीना 4.5 महीना का अंदर आपका एकामा बन जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं, एकामा बन जाएगा, रूम अच्छा है, ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा आपको। इस कंपनी में आओगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन 100% नहीं है। 2-3 महीना 4 महीना पहले जो ग्रुप आया उसका ओवर टाइम मिल गया, 12 घंटा ड्यूटी कर दिया, और अभी स्कूल में काम कर रहा है, स्कूल क्लीनर का काम कर रहा है, तो ओवर टाइम मिलता है। लेकिन अभी जो भाई आया 1.5 महीना पहले उसका ओवर टाइम नहीं मिला और सैलरी आया, और सैलरी से थोड़ा सा काटिंग भी किया, लेकिन क्यों किया पता नहीं। वो नेपाल का सुपरवाइज़र था और जो ग्रुप में 10-12 बंदा का जो ग्रुप था वो पूरा बंदा का किसी को 30 रियाल, किसी को 20 रियाल ऐसे करके काटिंग किया, लेकिन क्यों किया पता नहीं। अगर सुपरवाइज़र फोरमैन का बात अगर नहीं सुनोगे आप लोग तो आप लोगों को थोड़ा सा मसला होगा। सुपरवाइज़र फोरमैन का बात भाई इधर मानना पड़ेगा, जो बोलेगा ऐसा करना होगा आपको, ऐसे ध्यान में रखो। और ओवर टाइम का बात करें तो आपका नसीब अच्छा हो तो ओवर टाइम मिल जाता है, कोई मसला नहीं। जो 4 महीना पहले आया उसका ओवर टाइम मिल के 12 घंटा ड्यूटी कर दिया, अभी काम कर रहा है भाई, कोई मसला नहीं है। कंपनी बढ़िया कंपनी भाई, ये सऊदी का सबसे फेमस बिल्डिंग किंगडम टावर में इसका प्रोजेक्ट है, किंगडम टावर हॉस्पिटल में, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में इसका प्रोजेक्ट है, क्लीनर का काम करता है भाई। अगर आपको एजेंट ने जो 1300-1400 रियाल 1600 रियाल बोला, ये पूरा झूठ बोला, हाँ पूरा झूठ बोला। बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा सही बात कर रहा हूँ, आपको 8 घंटा ड्यूटी होगा, लंच के लिए 1 घंटा, 9 घंटा ड्यूटी होगा आपको, और अगर ओवर टाइम मिलेगा तो 12 घंटा ड्यूटी, ओवर टाइम मिला के आपका 1500 रियाल 1500-1550 ऐसा आएगा ड्यूटी, 1200 रियाल उसका बेसिक सैलरी। ओके, और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जो भाई मेरे को कमेंट किया उसका कमेंट का रिप्लाई भी मैं दे दिया, और
जो वीडियो भेजा वो वीडियो में भी देख लिया, आप लोग आ सकते हो। लेकिन 1300 रियल सैलरी बोला, ये पूरा झूठ बोला। 1200 रियल सैलरी होगा आपका, 8 घंटा ड्यूटी, 9 घंटा। ओके, तो ऐसा ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।